अस्सलामुअलैकुम, मैं फौजिया मुश्ताक एडवोकेट आज हाई कोर्ट में मौजूद हूँ क्योंकि मेरी एक बेल बिफोर लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ अपने केस के लिए। यहाँ देखें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है, कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि काम सस्पेंड है, खाली और जो है जो अर्जेंट मैटर्स हैं वही खाली चल रहा है जिसकी वजह से जो है बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल खामोशी हर तरफ। तो मैं यहाँ पे मैं बंस रोड की तरफ भी गई जहाँ पर रोज़ाना की डेली वेजेस के काम करने वाले लोग मौजूद थे, तो वहाँ इतना रश था लोगों का, मतलब बेचारे जो मजदूर थे उनको दिहाड़ी तो मिलेगी नहीं लेकिन वो फिर भी बेचारे बैठे हुए थे, हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर थे। लेकिन हुकूमत सिंध ने जो ऐलान किया है कि भाई मैं इतने इतने इमदाद करेंगे, इनको राशन पहुँचाएँगे, वो कुछ भी नहीं था। मेरी बेल से जो मुझे पैसे मिले तो मैंने पूरी कोशिश करी कि उन लोगों को इसमें से दूँ उनका हिस्सा, लेकिन वहाँ रश इतना हो गया कि मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए कि इतने लोगों को देना पॉसिबल नहीं था। वो लोग मेरी गाड़ी पे बिल्कुल अटैक करने लगे थे जिसकी वजह से मैंने उनको हाईकोर्ट में बुला के उनकी इमदाद भी की और देख कर भी आई हूँ कि हुकूमत सिंध से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इन लोगों को देखें, ये तो ओपन रोड पर बैठे हुए हैं, इनकी हेल्प करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर इनको ट्रेस करना भी कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा इनकी मदद कीजिए क्योंकि लोगों को तो आपने बिल्कुल मना कर दिया है कि रोडों पर न, लेकिन हुकूमत की जो टीम्स है वो तो गश्त कर सकती है, वो तो इनकी मुसीबत को हल कर सकती है, इनको देख सकती है। और आप लोगों से भी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी एसोसिएशन है, मैं अपने तौर से ज़्यादा केसेस में आती हूँ तो मैं यहाँ पर देखती भी हूँ लोगों को, मैं अपने तौर से हेल्प कर रही हूँ, अगर आप लोग हेल्प करना चाहें तो इसमें मेरा साथ दीजिए और इन लोगों की हेल्प करें, शुक्रिया। हम इस वक्त जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास हैं और यहाँ पर बहुत सारे बेचारे बेरोज़गार और जिनका कोई रोज़गार नहीं है वो बैठे हुए हैं और हम अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं उनकी मदद से आज यहाँ निकले ताकि इन लोगों की कुछ हेल्प कर सकें, ख़ासतौर पे हमारे जो बहुत अच्छे साथी हैं अफजाल शेख साहब उनकी मदद से, मैडम हाशमा की मदद से, मेरी खुद अपनी मदद से कि हम इन लोगों की मदद करने आए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मदद को कबूल फरमाए, आमीन। पैसे हैं अंदर रखे इसको, दुआ करें कि ये बाबा टले पाकिस्तान में से, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़े, दुआ करें। मेरा ये इरादा था, मुझे आज बेल एक बेल करवानी थी, तो मेरा ये इरादा था कि बेल में से मुझे जितने पैसे मिलेंगे उसमें से मैं इन लोगों में जो जो हिस्सा बनता है इनका वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरा दिल घबरा गया एकदम से और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने लोग वहाँ पे बेआसरा थे कि जो मेरी रकम थी वो नाकाफ़ी थी उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने बाबा को हाई कोर्ट में बुलाया और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जितने पैसे आते रहेंगे कि मैं इन लोगों को दूँ, इनका हक बनता है। और आप जैसे तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा रोडों पर आए, इन लोगों को देखें कि इन लोगों के साथ क्या मसाइल हैं, इनकी मदद करें, अपने पैसों में से हिस्सा निकालें अल्लाह का और इनकी मदद करें, शुक्रिया।